कुछ मिला नहीं है, लेकिन फिर दोबारा करना चाहती है तो करने में क्या दिक्कत है। अब एक ही केस में 10 बार जांच करे, 20 बार जांच करे, मर्जी के मालिक है। कहाँ है आप लोग? अपीसमेंट पॉलिटिक्स का सारा स्टेटमेंट ऑन रिकॉर्ड। अब कई बार जा करके हम ईडी हो, सीबीआई हो, अपना सवाल के जवाब जो हम लोग रिकॉर्ड पे दे चुके हैं, उससे अलग क्या हो। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के खिलाफ सीबीआई जांच के रीओपन होने से तेजस्वी यादव नाराज हो गए हैं। दिल्ली से पटना लौटते ही डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने सीबीआई पर तंज कसा है। तेजस्वी यादव ने कहा कि लालू यादव का जीवन एक खुली किताब है। तेजस्वी ने कहा कि सीबीआई उनके घर में दफ्तर बना ले। उन्होंने कहा कि सीबीआई जांच से कोई फर्क नहीं पड़ता है, पहले भी इसी मामले में सीबीआई ने जांच किया था लेकिन कुछ नहीं मिला है, लेकिन फिर दोबारा एक ही केस की जांच की जा रही है। तेजस्वी यादव ने कहा कि जितनी बार जांच करनी है सीबीआई को कर ले, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। केस पहले पहले भी इन्वेस्टिगेट कर रखा, कुछ मिला नहीं, फिर से दोबारा जो है वो रीओपन किया गया है। तो हम तो ये इतना कहना चाहते हैं, लालू जी का जो कुछ भी है, जीवन है या हमारा जो जीवन है, तो खुला किताब जैसा है। और हमने तो पहले भी सीबीआई को कहा था कि भाई अगर दफ्तर ही बनाना हमारे घर में तो बना ले, कर ले फिर से जांच, फिर ना जांच कर रही है, तब उसमें क्या कहना है। 2024-25 का जो मिशन लगा है, इमेज खराब होगा फिर से एक बार वही घोटाला। कोई फर्क नहीं पड़ता है, खुला किताब है, सब लोग जान रहे हैं हमारे पास क्या है क्या नहीं। और जो केस जो रीइन्वेस्टिगेट कर रहा है, ऑलरेडी पहले जांच किया किसने? सीबीआई ने किया है, कुछ मिला नहीं है, लेकिन फिर दोबारा करना चाहती है तो करने में क्या दिक्कत है। अब एक ही केस में 10 बार जांच करे, 20 बार जांच करे, मर्जी के मालिक है। राय में आज कहाँ है ये आप लोग? अपीसमेंट पॉलिटिक्स का सारा स्टेटमेंट ऑन रिकॉर्ड। अब कई बार जा करके हम ईडी हो, सीबीआई हो, अपना सवाल के जवाब जो हम लोग रिकॉर्ड पे दे चुके हैं, उससे अलग क्या हो। राय में उनको यहाँ के बारे में, चलिए भैया चलिए, तो एक जिला के बारे में जानकारी होगा, बिहार के बारे में। इधर लालू परिवार पहले भी मोदी सरकार पर पक्षपाती रवैया अपनाने का आरोप लगाया है। अब ये तो वक्त ही बताएगा कि केस रीओपन करने से कोई फर्क पड़ता है या नहीं। पंजाब केसरी टीवी के लिए पटना से अभिषेक सिंह की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।